तो कल्कि के समय जो होगा ना, संसार ऐसा होगा जैसे आज का स्ट्रक्चर क्या है, हम पैसे के ऊपर, बच्चा पैदा होता है तो माँ बोलती है, पिता बोलते हैं बेटा वाली पढ़ाई कर लो, पैसे करियर अच्छा बन जाएगा, पैसे आएंगे। पर कल्कि जो है ना, इससे मुक्त करेंगे, इस स्ट्रक्चर को तोड़ देंगे पूरी से, और इससे मुक्त करेंगे। जो आज के जमाने में लोग सिर्फ और सिर्फ धन मनी के लिए, और उसके बाद बोलते हैं युद्ध करो, मगर युद्ध जो करो ना केवल युद्ध के लिए युद्ध करो, अपने लिए लाभ भी मत कर लेना कि मेरे को लाभ हो जाए, मैं धन कमा लूंगा, या तुम्हें यश मिल जाए, या तुम्हें नफरत रहे जैसे कार्य करती है। कल्कि प्रकृति से बाहर नहीं है, वो प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति के संतुलन नहीं बिगाड़ने। मैं बोल रहा हूँ प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, मगर जितनी ज्यादा अवेयरनेस लोगों में आएगी, लोग जुड़ेंगे। अकेले हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कल्कि आए वही तलवार निकाल के काम करेंगे सारा, वो तलवार निकालेंगे, वो मारेंगे लोगों को, वो बोलेंगे सब। आप समझ रहे ना, ऐसा नहीं हो सकता कि कल्कि जो मार्ग बता रहे हैं उस मार्ग में लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ अपनी ही बातें बोल रहे हैं, अपनी ही कहानी मार रहे हैं, उससे चीजें नहीं होगी। ये इस प्रकार है। तो कल्कि के समय जो होगा ना, संसार ऐसा होगा जैसे आज का स्ट्रक्चर क्या है, हम पैसे के ऊपर, बच्चा पैदा होता है तो माँ बोलती है, पिता बोलते हैं बेटा वाली पढ़ाई कर लो, पैसे करियर अच्छा बन जाएगा, पैसे आएंगे, वो कर लो पैसे आएंगे, वो कर लो पैसे आएंगे, हर हर चीज पैसे की बात होती है। साधारण व्यक्ति इस पैसे के बारे में सोचता है, ये कोर्स कर ले तो इससे मेरी अच्छी हो जाएगी सैलरी वैलरी, अच्छी आएगी मेरा, मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, या बिजनेस कर लो तो पैसा आ जाएगा। क्योंकि जो भी उनका शुरुआत और अंत होता है ना, पैसे से होता है। यही समाज सिखाता है, स्कूल में जाएंगे तो अच्छा कोर्स कर लो, अच्छे स्कूल में चले जाओ, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, इंग्लिश अच्छी बोलोगे तो ये हो जाएगा, वैसे कर लोगे तो वो हो जाएगा, ये ओवरऑल मतलब पैसा आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा, अब्रॉड से ज्यादा पैसा आ जाएगा, वहाँ बड़ी सैलरी मिल रही है, ज्यादा पैसा यहाँ बचत हो जाएगी। हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए किस चीज के, धन के लिए, धन समझो। और कल्कि जो है ना, इससे मुक्त करेंगे, इस स्ट्रक्चर को तोड़ देंगे पूर्ण रूप से, और इससे मुक्त करेंगे। जो आज के जमाने में लोग सिर्फ और सिर्फ धन मनी के लिए, उनकी मन, उनकी जो पूरा ध्यान जो है, पूरा एकाग्रता मनी की तरफ चलेगी, इस चीज को तोड़ देंगे, और शुद्ध रूप में जो शुद्ध मनुष्य है उनका आना होगा। और इसमें एक चीज और है कि जो शुद्ध मनुष्य में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसे चमत्कार करेंगे, यू करा और शुद्ध मनुष्य आ गए, नहीं, पहली जनरेशन होगी उनके ज्ञान से सिद्ध होगी, जो बताए गए मार्ग उस पर चले, पहली जनरेशन आएगी क्योंकि बताए गए मार्ग पे चले, वो जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, जो बच्चे होंगे, जो आने वाली जनरेशन है, वो और बेहतर होगी, और फिर नेक्स्ट जनरेशन और बेहतर, नेक्स्ट जनरेशन और बेहतर, तो वो पूरा हम एक शास्त्र देंगे, प्रॉपर एक शास्त्र देंगे, सब कुछ देंगे, ज्ञान देंगे, जिस ज्ञान के द्वारा हम चल सकेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि वायु जादू कर दिया और ये लोग गिर गए, वो लोग आ गए, वो एकदम चमत्कार, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो भी होगा प्राकृतिक रूप में होगा। अगर हम महाभारत में भी देखें तो श्री कृष्ण भी जो बदलाव ला रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि यूं कर दिया हाथ और सब कुछ बदल गया, वो युद्ध कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं। तभी वो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन तुम युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो। उससे पहले वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि मनुष्य करता नहीं है, मतलब मनुष्य करता नहीं है, वो पूर्ण रूप से भाग्य द्वारा निर्धारित चीजों पर चलता है, मतलब तीन तत्वों द्वारा निर्धारित है, मतलब मनुष्य का जो भी कर्म है वो तीन तत्वों द्वारा निर्धारित है, और वो तीन तत्व प्रकृति के, ईश्वर के, मतलब उनके अधीन है। तो ये समझा रहे हैं, और उसके बाद बोलते हैं युद्ध करो, मगर युद्ध जो करो ना केवल युद्ध के लिए युद्ध करो, अपने लिए लाभ भी मत कर लेना कि मेरे को लाभ हो जाए, मैं धन कमा लूंगा, या तुम्हें यश मिल जाए, या तुम्हें नफरत है, हेट है, तुम बदला लेना चाहते, इसलिए मत करना, किसी लोभ हानि के लिए मत करना, इन सब विकारों से मुक्त हो, केवल युद्ध के लिए युद्ध करो। इस तरह तुम सभी व्यर्थ से, सभी पापों से मुक्त हो जाओगे, और पुण्य से मुक्त हो जाओगे, शुद्ध अवस्था में उभरोगे। तो वहाँ ये उनको ज्ञान दे रहे, बता रहे हैं, इसी प्रकार जैसे वो ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, छोटी छोटी बातें धीरे धीरे ले जा रहे हैं, और धीरे धीरे बदलाव ला रहे हैं। जैसे श्री राम जब आए थे तब ये संसार बहुत अस्त व्यस्त था, धीरे से उन्होंने, हम बोलते हैं उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने एक संस्कृति को रचा था, और सही तरीके से ज्ञान को संजो के, और एक पूरी सिविलाइजेशन को तैयार किया था, और जो सिविलाइजेशन कई सालों चली थी, बहुत सालों, और उसके बाद फिर धीरे से श्री कृष्ण आए, उनका अवतरित हुआ, फिर उसके बाद कलयुग आए, ठीक है, द्वापर के बाद कलयुग आए, तो कलयुग में तो क्या हाल है, और कलयुग के स्टार्टिंग समय में काफी चीजें अच्छी थी, अब हम कलयुग के अंत, जैसे मेरा जानना है, हम कलयुग के अंत में, मगर कलयुग के अंत में भले हैं, इसको ट्रांसफॉर्म होने में 150 साल लगेंगे, कम बुखार हो गया, अब वो धीरे से अपने आप को सही करेगा, उसके शरीर में
एक होता ना बीमारी को सही करने की शक्ति धीरे सही करेगी, उसको एक दिन दो दिन तीन दिन लगेगा। इसी प्रकार से प्रकृति जैसे कार्य करती है, कल्कि प्रकृति से बाहर नहीं है, वो प्रकृति का हिस्सा है, वो प्रकृति का संतुलन नहीं बिगाड़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, मगर जितनी ज्यादा अवेयरनेस लोगों में आएगी, लोग जुड़ेंगे। अकेले हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कल की आए वो ही तलवार निकाल के काम करेंगे सारा, वो तलवार निकालेंगे, वो मारेंगे लोगों को, वो बोलेंगे सब, देखो वो तो करेंगे, मगर लोगों को उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण जब बदलाव लाए तो केवल श्री कृष्ण का नाम सुनोगे आप, जब श्री राम बदलाव लाए तो केवल श्री राम का नाम ही सुनोगे। श्री राम जबकि विष्णु के अवतार थे, आपने देखा होगा जब उन्होंने रावण को, रावण का संहार किया था, तो क्या वो अकेले गए थे संहार करने? नहीं गए थे ना, पूरी सेना उनके साथ। तो इसी प्रकार से रेवोल्यूशन जब आती ना, वो किसी व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं आती। कल के अवतार को हीरो बनने नहीं आ रहे कोई, ओके आन समझो, हम जिस तरीके से देखते ना, हम सेल्फ सेंटर्ड एक व्यक्ति जैसे फिल्म में दिखाते, एक हीरो आया कूदा उसने मार दिया अकेले सबको, खास कर इस तरीके से चीजों को ट्रांसफॉर्म करेंगे जो सही में मानवता के गहरे में उतरे, मेरा ये समझना है, मेरा ये जानना है। 2030 में हम कई बदलाव देख सकते हैं, एक रेवोल्यूशन की तेज चमक देख सकते हैं, मगर 2030 में कलयुग खत्म हो जाएगा? जी नहीं, इस कलयुग को जाने में ना 150 साल का। देखो जैसे मैंने गहन गहन डीप डाउन जाके सूक्ष्मता में इसको देखा है, मेरे मनन से मेरे अध्ययन से मुझे ये समझ आया, मेरा ये जानना हुआ कि इसको कम से कम 150 साल लेंगे, और एग्जैक्ट 150 साल में पूर्ण रूप से रूपांतरित हो जाएगा। मतलब यहाँ से रेखा जा रही है और यहाँ बदलते 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 बदलते, मतलब हम जब 150 साल में पहुंचेंगे तब ये धरती पूरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी, तब ऐसा करप्शन नहीं होगा। आज धरती में आप चारों तरफ देखो हर जगह बहुत जहरीला वातावरण है, ये वातावरण सही हो गया होगा, लोगों के मन में जहर है वो सही हो गया होगा, लोगों के विचारों में व्यर्थता ये सही होगी, तो मूर्ख जनरेशन वहाँ मूर्ख जनरेशन पैदा हुआ वो सही होगी होगी। अब एकदम से चलो कल की अवतार आ भी गए, चलो मान लेते हैं 2030 में आ गए, एकदम कलयुग साफ हो गया एकदम झटके से, मगर ये जो लोग हैं मूर्ख जो अगर घर बैठे इनका क्या होगा? या तो इनको मरना पड़ेगा, मैंने थोड़ा हाश बोले, अगर मैं यहाँ क्या हूँ इनको क्या करना पड़ेगा? इनको प्लैनेट छोड़ के जाना पड़ेगा मंगल में, ये करना पड़ेगा ना, हर एज के लोग हैं, एकदम झटके से इनका क्या होगा? 5-6 साल में तो गायब हो ही जाएंगे लोग एकदम से, मूर्ख वही है। प्रॉब्लम कौन क्रिएट करें, कलयुग कौन लाया? कोई पेड़ थोड़ी कलयुग लाया, या धरती जमीन थोड़ी कलयुग लाई, कलयुग लाने वाला मनुष्य है, मनुष्य की बुद्धि को बदलने में समय लगेगा, जनरेशन को आने में समय लगेगा, तो सडनली ये लोग मंगल में नहीं चले जाएंगे, क्या ऐसे नहीं बोलेंगे क्या अच्छा कल की अवतार आ रहे हैं, देखो 2030 में आना है, क्या होना है कलयुग को जाना है, तो ठीक है हम तो वो करता कर रहे हैं जी, हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसको बदलने में समय लगेगा, एक स्वाभाविक प्राकृतिक, और हम ये बदलाव अपने जीवन काल में ही देखेंगे, अपने जीवन काल में देखेंगे, मगर मैं बोल रहा हूँ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जब कलयुग जैसा कुछ नहीं होगा, हम दूसरे युग में पहुंच चुके होंगे, बदल गए होंगे, जहाँ पर सब धरती पूर्ण रूप से बदल गई होगी, पूर्ण रूप से सही हो गई, रिकवर कर लिया उसने अपने वॉन्स को, जितने भी उसके घाव लगे हैं, जो नदियाँ दूषित हैं, समुद्र दूषित हैं, जो मनुष्य में बढ़ता है, वो सारी पूर्ण रूप से खत्म हो गई, क्योंकि शरीर की बीमारी जाती है एकदम झटके से नहीं जाती है, वो धीरे धीरे सही होती है, चोट भी धीरे धीरे सही होती है, व्यक्ति का विकास भी धीरे धीरे, मान लीजिए व्यक्ति को आज अपने सिखाना शुरू किया मंद बुद्धि हो तो उसका विकास हो थोड़ा समय लगेगा, आज उसने इतना सीखा, 1 साल में उतना सीखा, 2 साल में सीखा, 10 साल में इतना सीख गया, 15 साल में इतना हो गया, 25-30 साल में जाके मास्टर बन गया, जो भी है। तो ये इसी प्रकार से धीमी धीमी प्रक्रिया है जो स्वाभाविक तौर पर होगी और झटके से नहीं होगी, और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इस प्रक्रिया का हिस्सा वो सब बनेंगे, आप भी इसका हिस्सा वो सब बनेंगे जो इस बारे में विचार कर रहे हैं, जो इस बारे में अपनी तरफ से एक्शन ले रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इसका मतलब उनके अंदर ऐसी समझ ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, जो उनको समझ आ रहा है कि जो आम जो संसार में चल रहा है ना वही सत्य नहीं, इसके लिए बियॉन्ड कुछ है, मतलब सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज गुड, ऐसा नहीं है, यहाँ जरूर बदलाव की आवश्यकता है, तो हमें थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, अपने आप को समय दे, जो हम हमेशा अपने आप को समय देते हैं कि अपने लिए खरीदे, अपने लिए वो कर ले, पैसे कमा ले, मैं अच्छा हो जाऊँ, ये हो जाए, मैं वो खरीद लूँ, मैं घर बना लूँ, बंगलों बना लूँ, इतने करोड़ों कमा लूँ, इसके बाहर भी कोई देखते हैं वो उसका हिस्सा नहीं है। दोस्तों तो उम्मीद है हम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और एक और चीज, गुरुजी के चैनल्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी टेलीग्राम और बाकी जो भी लिंक्स है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, एक बार गुरुजी के चैनल भी जरूर से चेकआउट कीजिए, और पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।